हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BSc नर्सिंग में जो एडमिशन का प्रोसेस है। जितने भी कॉलेजेस यूपी के अंदर हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, इससे जितने भी BSc नर्सिंग के कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं, उसमें क्या एडमिशन का प्रोसेस है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हों। अब इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, और इनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए, आप चाहे प्राइवेट के लिए देख रहे हो चाहे गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो, तो पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो में बताऊंगा। कितनी एग्ज़ाम की फीस रहने वाली है, क्या क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इस पर आने के लिए आपको जो दिख रहा होगा एड्रेस abvmuup.edu.in, जब आप ये जाकर टाइप करेंगे गूगल पे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो अभी जो इस पर लेटेस्ट अपडेट आया है 2024-25 के BSc नर्सिंग के एडमिशन के लिए, तो वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अदर भी इस पर एसोसिएटेड हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादातर यूपी के अंदर हैं, चाहे उसमें MBBS हो रहा हो BDS हो रहा है, वो सभी जो है इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। ये 2021 में यूनिवर्सिटी बनी थी और उसके बाद से जो है कोर्सेज यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी यहाँ पर कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं। पहले मैं BSc नर्सिंग का आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब आप आएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, ये जो आपका एडमिशन सेक्शन दिख रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है डेट्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि डेट्स से रिलेटेड में क्या ऑप्शंस यहाँ पर हैं और क्या क्या डेट दी गई हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो क्योंकि फॉर्म मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था, तो ये आपको मैं डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये PDF है डेट्स को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ, जो इनकी तरफ से आया था डेट 2 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंबाइंड नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, यानी जितने भी स्टूडेंट यहां पर एडमिशन देने वाले हैं किसके लिए, कंबाइंड नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहां पर एक कॉमन एग्जाम होगा, चाहे आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उन सभी के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है इसी के थ्रू होगा। तो इनकी जो डेट्स यहाँ पर दे दी गई हैं, ये आपको दिख रही होगी। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी जितने भी स्टूडेंट आगे देखेंगे तो इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा CNET। तो यानी ये किस किस के लिए हैं, BSc नर्सिंग के लिए हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए हैं, MSc नर्सिंग के लिए हैं। तो इन तीनों के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। इसकी जो डेट है 2/6/2024, यानी 2 जून को संडे के दिन होगा। और जो कॉमन पैरामेडिकल टेस्ट है, जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम है वो 9 जून 2024 संडे के दिन होगा। तो ये इन्होंने अभी डेट्स दे दी हैं। अभी अगर आप बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है आपको, इसका CNET का या फिर कॉमन पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स जो हैं इनका, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है लेकिन कुछ दिन में आने वाला है, तो कब आएगा और क्या क्या फीस रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। कितने क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, कितने टाइम मिलेगा आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरी एलिजिबिलिटी, क्योंकि अभी इस साल का जो ब्रोशर नहीं आया है तो पिछले साल वाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लास्ट टाइम यानी 2023-24 में जो एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट के, उनके लिए जो ब्रोशर आया था उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे मोस्टली वही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो भी थे उसमें थोड़े और ऐड हो सकते हैं। तो ये है आपके सामने जो ऑफिशियल ब्रोशर है BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो टोटल जो ड्यूरेशन है BSc नर्सिंग की, 4 साल का कोर्स होता है आपको पता होगा, और इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, हर साल में 2 सेमेस्टर, तो टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, 4 साल का होगा। इसके एडमिशन की अगर बात की जाए, जो टेस्ट देना है आपको वो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एकेडमिक सेशन ये 2023-24 वाला है, तो अभी जो नया वाला आएगा 2024-25 के लिए, तो जैसे ही वो आएगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है वो भी बता दूंगा। अभी यहाँ पर आपको डिटेल्स बता देता हूँ इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की। तो 4 साल का है ये आपको ऑलरेडी पता है, और इसमें जो जो कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं उनकी बात करें, फॉर ऑल नर्सिंग कॉलेजेस अफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज एसोसिएटेड हैं इसमें कौन कौन से हैं, SGP GIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLS लखनऊ यानी राम मनोहर लोहिया, UPUMS सेफई,
ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हों या उनकी यूनिवर्सिटीज हों या डीम्ड यूनिवर्सिटी हों जिसमें बीएससी नर्सिंग हो रहा है और वो यूपी के अंदर स्थित हैं, उन सभी को किससे अटैच कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी से। तो यानी अगर आपको यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है या एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इसी के थ्रू एडमिशन आपका होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। ये आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि पहले जो होता था नीट के थ्रू ही एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में होता था, लेकिन अब बहुत कम कॉलेज ऐसे बचे हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के थ्रू हो रहा है। तो आपको सेपरेटली स्टेट वाइज फॉर्म भरना होगा, चाहे प्राइवेट के लिए चाहे चाहे गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट्स आपको दिख रही हैं ये लास्ट ईयर की हैं। तो एप्लीकेशन जो है लास्ट ईयर अप्रैल में आ गया था, तो इस बार भी आप मान के चलते हैं मार्च के लास्ट में आ जाएगा फॉर्म, या फिर अप्रैल के शुरू में आ जाएगा अगर और डिले हुआ तो, क्योंकि एग्जाम की डेट जो है ऑलरेडी आ चुकी है। लास्ट ईयर जो है ये 4 जून को हुआ था और इस बार जो है 6 जून को हो रहा है। तो ये डेट्स वगैरह देख लेना और पूरी अपडेट जो है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। और उसके अलावा भी आपका कोई डाउट पूछता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे। ऑल नर्सिंग कॉलेजेस एसोसिएटेड टू अटल बिहारी, तो ये जितने भी कॉलेज हैं आप यहाँ को देख लेना, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर सेंटर की बात की जाए तो पूरे यूपी के अंदर 19 सेंटर हैं जहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी सेंटर चूज़ करेंगे वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी सेंटर आपको फॉर्म भरने के टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड बाय ब्लैक बॉल पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर, मतलब ऑफलाइन मोड में ये जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, इस साल भी चांसेस यही हैं। अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके अलावा कोई भी फॉर्म यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वेबसाइट है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर दे दी है, जो मैंने अभी ऊपर बता दिया था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे ऑफ ₹3000। यानी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ₹3000 की जो है रजिस्ट्रेशन फीस देखनी होगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा है ये, क्योंकि इसकी इतनी ही रहती है एग्जाम फीस। नीट की भी आप देखेंगे तो 1500-1700 के आसपास रहती है, लेकिन इसकी आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा है, तो यही रहती है। और अगर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ₹2000 यहाँ पर एग्जाम फीस रहेगी ये। ठीक है, ऑनलाइन आपको सबमिशन करना होगा और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी एक बार जमा हो गई तो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी और पीडी से हैं तो आपकी 40 साल तक चल जाएगी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके 10+2 यानी 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, दोनों को मतलब तीनों को मिलाकर एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% या उससे ऊपर होने चाहिए। और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% से ज़्यादा आपके होने चाहिए ये 40% एग्रीगेट मिलाकर। ठीक है, इंग्लिश जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, आप सब और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस पूरी PDF को मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है इसके अंदर वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी PDF पूरा अगर यहाँ पर एक एक का रिजर्वेशन बताऊंगा तो अभी लंबे हो जाएगी वीडियो, तो बाद में अगर आप कहेंगे तो सेपरेटली वीडियो बना के बता दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो इसको अभी बताने का मतलब नहीं है। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको एक लाइव प्रूफ मैं दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है और जो भी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये इसमें पूरा स्टेप वही दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर। तो अगर आप अभी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना फिर लास्ट में भी देख लेना। ठीक है, अभी मैं इसका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो मैं थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आपको तैयारी करनी होगी। एग्जामिनेशन की बात किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस बार जो है 6 जून को होगा, 6 जून को। ठीक है, 6 जून था या कि 2 जून था, जो भी डेट थी मैंने अभी जो शुरू में बताई थी उसी के हिसाब से होगा, शायद 2 जून थी। ठीक है, और टाइम जो है 11 से 2 बजे, यानी 180 मिनट, 3 घंटे का आपका टाइम होगा। और जो सेंटर होगा आपका जो भी एडमिट कार्ड पे आएगा उस पर ही लिखा होगा। MCQ मोड का एग्जाम होगा, आपको कोई एक करेक्ट क्वेश्चन को चूज़ करना होगा और अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें कितना, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 20%, केमिस्ट्री के 20%, बायोलॉजी के 20%, इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों मिलाकर 20%, और ये जो है 12th लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 50th percentile होना चाहिए, या फिर PWD है तो 45th percentile, SC ST OBC है तो 40th percentile मार्क्स होने चाहिए। ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, इन दोनों में फ़र्क होता है। परसेंटेज का मतलब होता है मार्क्स के परसेंटेज, और परसेंटाइल का मतलब होता है जो पूरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में उनके
जो 50% है, यानी आधे बच्चे जो हैं इसमें क्वालिफाई रहेंगे, चाहे उनके जो भी मार्क्स रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बाद में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी गई है एग्जाम से रिलेटेड, तो ये मैं तभी उस टाइम पर बता दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो है आपकी कवर हो गई होंगी आई थिंक, कैसे कैसे आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पेपर होगा और कब होगा, ये पूरी डिटेल। उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी बचती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हालांकि कुछ दिन में अब नीट का भी जो ऑफिशियल फॉर्म है आने वाला है, ऑलरेडी फरवरी चल रहा है, तो सभी लोग चैनल्स के साथ जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।